हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक परचेज़ की एंट्री करूंगा जिसमें मैं डिस्काउंट दूंगा। और मैं डिस्काउंट कैसे देते हैं, बहुत बार हम लोगों को परचेजेस के इनवॉइसेस आते हैं, उसमें डिस्काउंट होते हैं और उसको किस तरीके से वो लोग अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री एक्सप्लेन करूँगा जिसमें कि डिस्काउंट होगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे वीडियो के। तो मैं रोज़ वीडियोज़ बनाता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो एक लेजर बना लेंगे। उसके लिए तो अभी हम लोग यहाँ से क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक डिस्काउंट का लेजर बना लेना है, डिस्काउंट रिसीव्ड करके। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का एक लेजर बनाना है हम लोगों को, और ये हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में करेंगे बिकॉज़ हमको परचेज़ में डिस्काउंट आ रहा है। डैट मीन्स हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, हम लोगों का इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स में लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का एक लेजर बना के। यहाँ पे हम लोग GST में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और इधर हम लोग इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्म में यहाँ पे हम लोग GST ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग गुड्स ले लेंगे, और यहाँ पे जो है मेथड ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे हम लोग बेस्ड ऑन वैल्यू लेंगे। और ये होने के बाद हम लोग कंट्रोल ऑल्ट एंड कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लेजर बन चुका है। दूसरा एक जो लेजर होता है वो होता है, हम लोग यहाँ पे केटन ट्रेडर्स करके जो पार्टी है उसको लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लेजर में जाके बता देता हूँ कि केटन ट्रेडर्स करके पार्टी है, ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्रिएट है वो इसके अंडर में। और ये मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल हमेशा यस रखना है। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस आएगा, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते जाना है। यहाँ पे पार्टी का एड्रेस आएगा, और यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो आएगा, यहाँ पे रेगुलर आएगा अगर पार्टी का GSTN नंबर है तो, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड आएगा, और यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है रेगुलर वाला है तो यहाँ पे आपका GST नंबर आएगा। तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ फिर से। अभी हम लोग एक एंट्री करते हैं, डेट दे देता हूँ मैं, फर्स्ट में 1 जून दे देता हूँ 22। और यहाँ पे हम लोग एक नंबर दे देते हैं बिल का, यहाँ पे हम केतन ट्रेडर्स डालेंगे। केतन ट्रेडर्स डालने के बाद ये वाली स्क्रीन को हम लोग कंट्रोल ए करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक वॉश बेसिन डाल रहा हूँ, वॉश बेसिन एक पीस, और ये हम 5000 रुपये डालते हैं एक वॉश बेसिन का। अभी यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम ऑलरेडी है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, अभी भी बता दूंगा आपको ये कैसे यस करना है। अगर ये आपके पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं है और आप दूसरे तरीके से एंट्री करते हो तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। डिस्काउंट के कॉलम के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ से अभी आप जाओगे ऑल्ट के करोगे और यहाँ से फीचर में जाओगे तो यहाँ पे देखिए यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको यस कर देना है, तो वहाँ पे ये वाला कॉलम आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग वो तरीके से एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड करके ऑप्शन लेना है। इस पर आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है समझ लीजिए, ईजी एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे 50% डिस्काउंट ले लेते हैं ताकि ये 5000 का सीधा 2500 हो जाए। तो 50% करने के बाद ये देखिए 2500 हो गया है, बट नीचे ये 7500 हो गया है, ये नहीं होना चाहिए बिकॉज़ हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो हमको इसको माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैक जाके इधर -50 करना है, तभी ये वाला भी माइनस में कैलकुलेट होके आएगा और नीचे बराबर 2500 रुपये आ जाएगा। अभी आपका GST भी 2500 पे ही कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट CGS, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्काउंट ये जो GST है वो 2500 रुपये पे लगना चाहिए। तो 2500 × 9% अगर हम करते हैं तो बराबर 225 रुपया हो रहा है। तो ये बराबर है हमारा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे माइनस करके साइन लेना है, जैसे कि अभी यहाँ पे समझ लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ 10% लेता हूँ, तो ये देखिए बराबर GST भी चेंज हो गया है, वो डिस्काउंट का परसेंटेज भी चेंज हुआ है 10%, मतलब 500 रुपीज़ आ गया है। और ये 4500 पे लगेगा GST अभी, तो × 9% करेंगे तो 405 रुपया होता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, तो ये प्रॉपर है। अभी हम लोग इसको
एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक कोई तरीका होता है पेजअप करके देखते हैं, और एक ये तरीका होता है कि हम लोगों को डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं पता है, बट हम लोग डायरेक्ट हम लोगों को ओवरऑल डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, तो उसमें यहाँ पे परसेंटेज डालने का ज़रूरत नहीं रेट का। यहाँ पे समझ लीजिए हमको 750 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो 5,000 में से 750 गए, तो समझ लीजिए 4,250 रुपये बचे। तो 4,250 इंटू 9% अगर करते हैं तो ये देखिए 382 आ रहा है। यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे माइनस में नहीं लिया है तो ये गलती हो गई है। तो ये देखिए 382.50, यहाँ देखिए नीचे 4,250 इंटू 9% 382.50। तो यहाँ पे मैं माइनस डालना भूल गया था, तो अभी माइनस डाला तो बराबर कैलकुलेट हुआ है। यहाँ देख सकते हो आप 382.50, और यहाँ पे भी 382.50। तो ये भी एक तरीका है डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट एक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो भी डायरेक्ट मिल जाता है, एक डिस्काउंट, एक डिस्काउंट का अमाउंट मिल जाता है, परसेंटेज पे नहीं होता है कई बार कैलकुलेशन। 5,000 पे डायरेक्ट 750 का डिस्काउंट दे दिया, या फिर 1,000 का दे दिया, जैसे कि यहाँ पे लेस 1,000 करूँगा तो देखिए फिर से GST का रेट चेंज हो गया है, तो प्रॉपर ये कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी एक ये भी है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे ऑन करना है, तो यहाँ पे भी एक डिस्काउंट डाल सकते हैं, जैसे कि 50% मिला है, तो ये भी प्रॉपर ही होगा, लेकिन इस केस में हमको ये यहाँ से हटा देना पड़ेगा। तो ये देखिए 2,500 रुपये 225, यही हो गया। ये भी एक तरीका है कि आप यहाँ पे कॉलम में शो कर दो, और एक वो तरीका है कि यहाँ नीचे में शो कर दो। प्रिंट प्रीव्यू करोगे यहाँ से, तो प्रिंट प्रीव्यू सबका अलग अलग आता है। अभी देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू ऐसा आ रहा है, यहाँ पे 50% आ रहा है। दूसरा प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, यहाँ से 50% हटा देता हूँ मैं, समझ लो कंट्रोल ए करके यहाँ पे 0 कर देते हैं, और यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसीव कर देते हैं, यहाँ पे लेस 50% कर देते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट CGST 9% और क्रेडिट SGST 9% कर देते हैं। अब देखते हैं ऑल्ट पी जाके कंट्रोल पी में, देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू ऐसे दिखेगा। तो कैलकुलेशन तो दोनों तरफ से हो ही रही है, कई बार बिल्स आते हैं वो हिसाब से भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। परचेज बिल दो तीन टाइप से आ जाते हैं डिस्काउंट लग के, कई बार ये लोग ये जो डिस्काउंट है नीचे लगा देते हैं GST के बाद, वो तो गलत ही है। वैसा अगर कुछ आता है तो फिर से कॉल बैक करिए उनको, और उनको बोलिए कि ऐसा नहीं है, GST में आना चाहिए वैल्यू के बाद का अमाउंट, तो इस पे GST नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, इसके बाद माइनस होकर GST कैलकुलेट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, और जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय।